हेलो पॉप लिसनर्स, तो कैसे हो आप लोग। तो भाइयों, पहली अपडेट जो है वो रैप डीमन की तरफ से आ रही है। तो भाइयों, इस महीने रैप डीमन की एक ईपी आने वाली है और रिसेंटली उन्होंने अपने इंस्टाग्राम में एक पोस्ट करा था और उस पोस्ट के नीचे उनके एक लिसनर ने पूछा ईपी के बारे में, तो उन्होंने कुछ ऐसा रिप्लाई दिया है दिस मंथ। तो इसी महीने आप लोग को देखने को मिल जाएगी इनकी ईपी। नेम वगैरह कुछ नहीं पता है, तो जैसे ही कुछ अपडेट्स आती है तो आप तक पहुंच जाएगी। तो अब नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। तो ये जो अपडेट है वो बेला की तरफ से आ रही है। तो भाई, वो बेला का एक ट्रैक आने वाला है बहुत ही जल्द, और ये सिर्फ बेला का नहीं है, इसमें चार आर्टिस्ट हैं, नवजीत, प्रिंस नरूला, आशीष भाटिया और बेला। और ये वही ट्रैक है जो कि बेला अपनी स्टोरीज में डाल रहे थे कुछ टाइम पहले। आर्टिस्ट जो प्रिंस नरूला और आशीष भाटिया, उनकी स्टोरीज में दिख रहे थे, तो इसी ट्रैक की प्लानिंग हो रही थी। तो ये गाना कंप्लीट हो चुका है, जल्दी ये गाना देखने को मिल जाएगा। और जहां तक मुझे पता चला है कि ये रोडीज के लिए ट्रैक है और मतलब कुछ खास होने वाला है इस ट्रैक में, तो देखते हैं, जब भी आउट होगा मैं आप लोग को बता दूंगा। तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो मुक्ता के की तरफ से आ रही है। तो भैया, मुक्ता के ने आज अपने इंस्टाग्राम में एक स्टोरी डाली है जिसमें वो कुछ हिप हॉप पेजेस के बारे में बात कर रही हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, टू ऑल द इंडियन रैप एंड हिप हॉप पेजेस, आई नो तुम लोग मेरे बारे में पर्पजली कभी अच्छा नहीं लिखोगे, बट एटलीस्ट पर्पजली बुरा तो मत लिखो, जस्ट द म्यूजिक व्हेन इट्स आउट एटलीस्ट। तो अब यहाँ पे कुछ हिप हॉप पेजेस के बारे में बात हो रही है। अब किसी का नेम उन्होंने नहीं लिखा है तो कुछ कह नहीं सकते। तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो रफ्तार की तरफ से आ रही है। तो भाई, रफ्तार ने आज अपने इंस्टाग्राम में कुछ ऐसी स्टोरी डाली है उनके नेक्स्ट रिलीज से रिलेटेड, जिसके बारे में मैंने आप लोग को कल अपडेट दी थी। तो फिलहाल उसका पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा है, तो डेट्स भी पता चल चुकी है। तो भाइयों, 29 सितंबर को ये ट्रैक आउट होगा। तो जो भी रफ्तार और कृष्णा के फैंस है, वेट करो, बस आने वाला है बहुत ही जल्दी ये गाना। तो अब अपन बात करने वाले सीधे मौत के बारे में। तो भाइयों, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था कि सीधे मौत का एक गाना आने वाला है जिसका नाम है दम पिशाच, तो उसकी डेट्स तो मैंने आप लोग को उसी टाइम पे बता दी थी कि 11th को ये ट्रैक ड्रॉप होगा। इसके अलावा इसका ऑफिशियल पोस्टर भी आउट हो चुका है जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो यास की तरफ से आ रही है। तो भाइयों, यास का बहुत ही जल्दी एक गाना आने वाला है जिसका नाम है लेट मी गो। वैसे तो ये गाना सागा म्यूजिक और काली डेनाली म्यूजिक प्रेजेंट्स है, पर ये आप लोग को सागा म्यूजिक के यूट्यूब चैनल से देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो कृष्णा की तरफ से आ रही है। तो भाइयों, आप लोग को पता ही है कि कृष्णा और आईपीएल 2020 के बीच में क्या सारी चीजें चल रही है। कृष्णा का एक ट्रैक कॉपी हुआ है जिसका नाम है देख कौन आया वापस, और अभी वो आईपीएल 2020 का टाइटल ट्रैक बन के आया है जिसका नाम है आएंगे हम वापस। तो इस ट्रैक के अगेंस्ट में अभी लीगल एक्शन लिया जा रहा है। तो कल कृष्णा ने एक ट्वीट करा था और उस ट्वीट में कुछ ऐसा लिखा हुआ था, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, दिस इज कैरी, आई जस्ट गॉट वर्ड दैट म्यूजिक कंपोजर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया हैज सजेस्टेड that plagiarization of hip-hop songs is permissible in their opinion because all hip-hop songs sound the same. Shabash, tumhara khun khun, hamara khun pani, hashtag IPL anthem copied. This is their defense for my plagiarization of song. Need the hip-hop community and fellow artists to take a stand. We are musicians too and our work deserves protection. To aisi help mili unhe MCAI se. Sare hip-hop artists, matlab almost jitte bhi rappers hain, sabne story ko share karaya aur sab Krishna ke support mein filhal. Kuch rappers ko chhodke jinki पहले बीफ हो चुकी है उनको, और हाँ, मैं 2-3 रैपर्स की स्टोरी भी दिखाने वाला हूँ आप लोगों को आज और कल, बाकी के रैपर्स की दिखाऊंगा। तो राजा कुमारी की कुछ ऐसी स्टोरी थी, इंडिया यू आर गोइंग टू रिस्पेक्ट योर हिप हॉप आर्टिस्ट एंड प्रोटेक्ट आर इंटेलेक्चुअल राइट्स, दिस इज इनसेन, और उन्होंने टैग करा वहां पे मास अपील को। कर्मा ने कुछ ऐसा लिखा था, द डम्ब फाउंडेड विल नेवर अंडरस्टैंड द कल्चर, आई स्टैंड विद ओरिजिनैलिटी एंड गिविंग रिस्पेक्ट टू ओनली वेयर इट्स ड्यू। MC ने कुछ ऐसा लिखा IPL को टैग करके, ऐसा ही होता है जब पैसा बचाने के चक्कर में सस्ती एजेंसी के थ्रू सस्ते कंटेंट राइटर्स हायर करते हो और वो आपको इंटरनेट से लाइन छाप के दे देते हैं। तो और बहुत सारे रैपर्स ने स्टोरी डाली है, तो मैं आप लोग को कल के वीडियो में दिखाऊंगा सारे रैपर्स की स्टोरी, मतलब जो भी मेन रैपर्स है सबकी मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ। और हाँ, प्रणव मालपे ने भी इस चीज़ के ऊपर रिएक्ट करा है और उन्होंने भी कुछ ट्वीट्स करा है जो कि मैं आप लोग को यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले, प्रणव मालपे कौन है? तो IPL 2020 जो एंथम आउट हुआ है उसके डिस्क्रिप्शन में इन्हीं का नाम लिखा हुआ है कि इनका ओरिजिनल कंपोजिशन है वो, और पूरा ट्रैक इन्होंने ही बनाया है। तो इनका कुछ ऐसा ट्वीट आया है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, तो इनका ऐसा कहना है, आएंगे हम वापस जो एंथम है वो ओरिजिनली इन्होंने और इनकी टीम ने कंपोज करा है बहुत ही मेहनत से, और इन्होंने ये किसी से कॉपी नहीं करा है, और ये फैक्ट MCAI ने कंफर्म भी करा है, म्यूजिक कंपोजर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने। जितने भी अक्यूजेशन लग रहे हैं इनके अगेंस्ट में वो सारे फॉल्स है, और फिलहाल जो सिचुएशन चल रही है, जो पेंडेमिक चल रहा है, उसको ध्यान में रख के इस गाने को बनाया गया है कि लोग इससे इंस्पायर हो, थोड़े मोटिवेट हो। तो यही कहना है प्रणव मालपे का। अब आप लोग का इस चीज़ के बारे में क्या कहना है मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो हम नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। तो ये जो अपडेट है वो तलांजुम की तरफ से आ रही है। तो भाई, तलांजुम ने एक ट्वीट करा है और वो जो ट्वीट था वो कंगना रनौत के लिए था। तो मैं आप लोग को पूरी स्टोरी बता देता हूँ कि क्या हुआ है। फिलहाल कंगना रनौत ने एक कॉमेंट करा था मुंबई के ऊपर और उसको कंपेयर करा था POK से, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से, और गलत वे में उन्होंने कहा था कि
जैसे वहाँ पे गलत होता है वैसे ही बॉम्बे में भी गलत होता है। तरीके से देखा जाए तो मुंबई की डिसरिस्पेक्ट हुई थी और पाकिस्तान की तरफ से देखा जाए तो POK की हुई थी। तो यही चीज़ अंजुम को बुरी लगी और उन्होंने एक ट्वीट करा जो कि शायद गलत था, कुछ ज़्यादा ही गलत था, और फिलहाल वो ट्वीट डिलीट हो चुका है तो मैं वो आप लोग को नहीं दिखा पाऊंगा। पर उसके बाद से एक बंदे ने उनको करेक्ट करा उस चीज़ के लिए कि आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए, तो यहाँ पे मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। लेट्स चिल डाउन ब्रो, शी इज़ अ वुमन बिफोर शी इज़ एन इंडियन, लव योर आर्ट बट यू गॉट अ नो योर बाउंड्रीज। तो इसका उन्होंने रिप्लाई दिया है, यू आर टीचिंग मी बाउंड्रीज ऑन ट्वीट वेयर योर किट इज क्रॉसिंग एवरी लाइन डाउन टॉकिंग माई कंट्रीज नेम फॉर हर ओन पर्सनल प्रॉपर्टी इशूज, सो या शी कैन ट्वाइस। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। तो जिनको अंजुम के पहले के ट्वीट्स पता है कि उन्होंने क्या ट्वीट करा था, उन लोगों को समझ आ गई होगी सारी चीज़ें। बाकी जिनको नहीं पता है तो मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे अंजुम जो है वो काफ़ी गलत है। जो चीज़ आज अंजुम को गलत लग रही है वही चीज़ वो भी करते थे पहले, और अभी उन्होंने कुछ टाइम से नहीं करा है। पर अगर मैं थोड़े और ध्यान से देखूँ तो 5 दिन पहले का ही एक उनका ट्वीट है जो कि अमित शाह के ऊपर है, तो मैं आप वो दिखाऊंगा नहीं क्योंकि वो इससे रिलेटेड नहीं है। मैं बताना चाहता हूँ कि जो अंजुम ने आज ट्वीट करा है उनको एक बार पीछे मुड़ के देखना चाहिए कि उन्होंने क्या ट्वीट करा है इंडिया के लिए। तो इस चीज़ के बारे में आप लोग का क्या कहना है मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो टू फिस्टेड, डकैत और एंड्रेस की तरफ से आ रही है। तो भैया इनका एक ट्रैक आउट हुआ है, रिमिक्स है जो कि व्हाट्स पॉपिन, तो आप लोग जाके सुन सकते हो ये वाला गाना, लिंक आप लोग को इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर सुन लिया है तो बताओ कि कैसा लगा है आप लोग को। तो अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। तो फर्स्ट ट्रैक जो है उसका नाम है चिल वाइब बाय अरम लकी फीचरिंग डेनिस 14 और उनके साथ में है शेबी। तो ये ट्रैक आप लोग जाके सुन सकते हो, म्यूजिक वीडियो के साथ में गाना आया है और इसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाओ सुनो और भाइयों को सपोर्ट करो। तो बस दोस्तों आज के लिए इतनी अपडेट्स थी, तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।